पृथ्वी की कक्षा पर सबसे पहले कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन का आज निधन हो गया है। 95 वर्षीय जॉन ग्लेन कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते वह काफी वक्त से अस्पताल में भर्ती थे। 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर चुके ग्लेन अंतरिक्ष में जाने वाले अमेरिका के तीसरे अंतरिक्ष यात्री थे। नासा ने उनके निधन पर शोक जताया है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जॉन मर्करी 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे, जिनमें से शेष सभी 6 अंतरिक्ष यात्रियों का पहले ही निधन हो चुका है। जॉन ग्लेन की उपलब्धियों पर नजर डालें तो साल 1962 में ग्लेन ने अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ान भरी थी। हालांकि उन्होंने दूसरी बार साल 1998 में उस वक्त इतिहास रचा जब वह 77 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में गए। तब वह अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति बन गए। इसके साथ ही उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान करीब 59 लड़ाकू अभियानों के तहत उड़ान भरी थी। इसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक सीनेटर के तौर पर सेवाएं भी दी। हालांकि ग्लेन की सराहनीय उपलब्धियों को देखते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल 2012 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रचने वाले जॉन ग्लेन भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी अद्भुत उपलब्धियां हमेशा हमारे बीच रहेंगी। देखते रहिए डीवी लाइव।